तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं चाची और के घर पे दुगड्डा। गाइज यहाँ पे पीरू और सिस्टी लेटे हुए हैं, इनको थक लग गई। किस बात की थक लगी तुम्हें? कोई थक नहीं लगी, ऐसे आराम कर रहे हैं। अब व्लॉग देख रहे थे आज वाला क्या? नहीं, अंकुश तू क्यों थका? बेले की कौन है? और अभी चाय वाय पिए, अभी थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। हमारे वहां से पीरू काफी ठंडा है ना यहाँ पे। हाँ क्या बात कर रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम रात को पहुँच गए थे और डिनर वगैरह करके सो चुके थे और अभी जस्ट मुँह हाथ धोया है। यहाँ पे ऐसे ये टंकी होती है, इधर पानी स्टोर होता है और यहीं से सब मतलब मुँह हाथ धोते हैं। तो और पीछे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दादी ये कौन सा पेड़ है पीछे? चबूतरा छेने चबूतरा। और ये वाला कौन? ये जो यहाँ लग रहा है ये आम। आम? और ये भी आम है? ये लीची है। लीची है, लगती है इसमें? हाँ लगती। लगती है? अभी नहीं है ना, आप लगेंगे घर में। अच्छा, और उधर क्या बोरखा है? लहसुन है सारा। देखो गाई जी, सारा लहसुन बोल रखा है। ये गाय है हमारी। घास कौन लाता है? दादी देखो कितनी सारी घास उठा के गाय को देने जा रही है। घास ला रही है, गाय पाल रही है। दादी घास लाता कौन है, आप ही लाते हो? कौन लाएगा, खा रही हूँ तो मैं तो लाऊंगी। अंकुश वो क्या रखा है वो नीचे? ये गाइस हल्दी है जो कि अभी से सुखा कर इसे सुखाते हैं, उसके बाद तब इसे पीस कर तब हल्दी मिलती है हमें। दिखा दिखा पास दिखा। देखो गाइस कच्ची है, ये कच्ची हल्दी है, इसको सुखाएंगे ना पहले और फिर पीसेंगे। देख लो ये जो लगा है ये प्याज बोरखा है, और पीछे जो वो पेड़ है वो मौसमी का है, उसमें लगी हुई भी है एक मौसमी पर शायद दिख नहीं रही होगी अच्छे से। तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं, तन्नू जा रही है कॉलेज, तन्नू को बाय करते हैं। बाय। पीरू और सृष्टि श्रृंगार करते हुए। और पीरू तूने उल्टी स्वेटर क्यों पहनी है? ओए उल्टी नहीं है, वो सीधी है। गाइस अभी नाश्ता आ चुका है, हम नाश्ता करके निकलना है। तो गाइस अभी पीरू जस्ट अपने बाल ही बनाए थे, इसके यहाँ पे आके एकदम से उसी की टी शर्ट के कलर की तितली आके बैठ गई। डर भी लग रहा है, फिर पोज भी मार रही है। जाने के लिए लगा रही है लेंस, चश्मा नहीं लगा सकती, स्पेशली लाई अपने के लिए लेंस। पीरू यहाँ पे शीशा पड़ के खड़ी है। जल्दी लगा, तो लेंस लगाना। उल्टा लगा रही है। कितना जाए यार, देखते रहना। लग गया क्या? नहीं गिर रहा है। लो लाए, लो क्यों लाए? हाँ लग गया, दिखा। पता चल रहा है? पता चल रहा है, चमक तो रहा है थोड़ा। तो गाइस अभी हम आए हैं आंवले का पेड़ देखने। दिखाओ भाई पेड़। इधर आओ, ऊपर देख ले। कहाँ इसमें आंवला कहाँ है? ये तो रहा ऊपर। आंवला है कहाँ? वो और कितने ऊपर है भाई, एक सड़ा हुआ तो ये रहा। चलो भाई तोड़ो। नहीं खाऊंगी, अच्छा वाला। चलो चलो ट्राई करते हैं, ठीक है? चढ़ना पेड़ में, तू चढ़ जा। मैं मेरी बस की बात नहीं है, पेड़ से तोड़ दो। ओए यार अरे छोटी, एक आंवला नहीं तोड़ा जा रहा। तो हमने कुछ चार आंवले तोड़े हैं और ये सारे पीरू खाएगी अकेले। गाइस अब हम निकल रहे हैं जहाँ हमें जाना है, और चलो फिर चलो बैग उठा। अंकुश हमें पता नहीं दूसरे रास्ते से लेके आया है। सुंदर फूल है, फट्टे वाला फूल, जिसमें अगर दो ज्यादा आदमी जरा ध्यान से नीचे गिरेगा हम भी नहाएंगे और सब नहाएंगे। अंकुश तुझे वापस लेने आना पड़ेगा मुझे और सिस्टी को। हेलो आ जाओ। चलिए पुल पार कर लिया है, डर भी लग रहा था पर कर लिया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रोड में और अभी सौरभ का वेट कर रहे हैं और फिर हम आगे निकलेंगे। आगे आ गए।
तो गाइज हम लैंसडाउन जा रहे हैं, अभी हम कैंट एरिया एंटर कर चुके हैं, इससे आगे हम जाएंगे और वहाँ पे टिफिन टॉप है, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। तो गाइज हम लैंसडाउन तो पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं भुल्ला ताल, और यहाँ पे हम शायद बोटिंग वोटिंग करेंगे। तो गाइज अभी हम बोटिंग करने जाने वाले थे पर पहले सबको कुछ खाने का मन किया, इसलिए अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और अभी पहले कुछ खाते हैं। तो गाइज हमने मंगाए थे स्प्रिंग रोल और मोमोज, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं हो रहा था, ठीक ही थे। चलो भाई अभी हम अलग अलग बैठे हैं, मैं और साहिल भैया से बैठे, बाकी सारे वहाँ बैठे हैं। मैं तो कुछ जान भी लगा भी नहीं थी। वीडियो ऑन है ना? तो गाइस कैमरा मेरे पास आ चुका है। तो गाइस अभी हम बोटिंग करके आ चुके हैं और अभी हम जाएंगे टिफिन टॉप, अभी पहले तो कुछ खाएंगे उसके बाद चलते हैं। तो गाइस अभी हम टिफिन टॉप पहुंच चुके हैं और यहाँ से हिमालय का बहुत अच्छा व्यू दिखता है और यहाँ पे काफी ठंड भी है, तो अभी हम चलते हैं। कहाँ है ठंड? ऊपर को है, ऊपर को है, इंतजार कर रही है हमारा वो। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं टिफिन टॉप व्यू पॉइंट और यहाँ से पूरा हिमालयन व्यू है, जो कि मेरे फोन में बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, बट अगर आप सामने से देखोगे तो बहुत ही प्रिटी व्यू है। व्यू मस्त आ रहा है ना? व्यू मस्त आ रहा है ना यार? मेरे फोन में अच्छा व्यू क्यों नहीं आ रहा? पर तो गाइज यहाँ से जो हिमालय की रेंज दिखती है, ये शायद चौखंबा है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो कोई मुझे बता देना। ये सामने वाला चौखंबा है और ये जो नीचे है ये पौड़ी है, ये हाँ ये पूरा पौड़ी ब्लॉक है। सिस्टर देखना है, ठीक है। चलो अब सृष्टि ना इसमें देख रही है, अगर सृष्टि को अच्छा दिखेगा तभी हम देखेंगे भाई कि इससे कैसा दिख रहा है। तो सृष्टि अभी देख रही है, सृष्टि अच्छा दिख रहा है? अरे पहले एक एक करके देखो ना, जब पैसे सबके अलग देखने हैं तो बच्चे एक में करेंगे। ने इसमें से हिमालय देखे पर ठीक था, ज्यादा खास भी नहीं था। निदास दिख रहा है, सफेद पहाड़ होता है ना, अभी ऐसे शायद कोहरा हो रहा है, शायद इसलिए ढंग से नहीं दिख रहा। आपने हमें तो मंदिर दिखाई नहीं। तो भी यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं और हिमालय अच्छे से तो नहीं दिखा क्योंकि शाम ढलने वाली है और अभी हम नीचे को निकल रहे हैं। तो गाइज ये लैंसडाउन का कैंट एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, हमें सामने से दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक ठंडी सड़क भी है जो बहुत फेमस है, पर हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम इसे ऊपर से आ चुके हैं टिफिन टॉप से, आगे को निकल रहे हैं, तो ये एरिया पूरा दिखाना था पर दिखा नहीं पाएंगे बिकॉज शायद प्रोहिबिटेड होता है यहाँ पे। और एक म्यूजियम था वो 3 बजे बंद हो गया था, हमें थोड़ा लेट हो गया था, तो वहाँ पे वो गढ़वाल राइफल्स का मतलब दिखाते हैं, पूरा एक मूवी दिखाते हैं अबाउट गढ़वाल राइफल्स। तो गाइज लैंसडाउन से तो हम नीचे उतर चुके हैं और अभी हमारा प्लान है वापस से जाने का रिजॉर्ट में, तो आज हम वहीं स्टे करेंगे और यहाँ पर ठंडा काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। और अभी हमारा प्लान है कि हम गाने वाने गाते गाते चलेंगे, तो अब रिजॉर्ट में जाके मिलते हैं आपको। अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ का ना लोकेशन बहुत ही अच्छा है इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। फिर तुझे कैसा लग रहा है यहाँ पे, इस वाली जगह पे गांव वाली फीलिंग आ रही है ना? बिल्कुल ऐसा हमारे गांव का रास्ता है, हमारे गांव का रास्ता बिल्कुल सेम है। जी भर के देख लीजिए मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। ओए हम तेरी यादों में खोए रहते। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं फिर से, कहां पर हम रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं लैंसडाउन से, क्योंकि आते आते शाम हो गई थी तो हमने सोचा कि यहीं पर स्टे कर लेते हैं और अब हम आगे चलेंगे। अभी नीचे नदी क्रॉस करके आए हैं तो बहुत डर लग रहा था, ये वही वाला रिजॉर्ट है जो पिछले वीडियो में भी था। सबसे पहले ये बाथरूम में ही आ रही है। अब सर वही गालू में बढ़िया है, तेरे को बेकार मिला है भाई, कंबल में आऊं पहले। तो गाइस अभी हम स्नैक्स खाने आ चुके हैं और एक फ्राइज और चाय, और अभी एक फ्राइज तो खत्म हो चुकी है
और मैं पहले खा लेती हूँ। तो गाइज अभी हमने स्नैक्स तो खा लिए हैं और हमने सोचा डिनर तक वेट कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर में डिनर रेडी हो जाएगा क्योंकि पहाड़ों में तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो डिनर भी अभी करके फिर हम रूम पे अभी सब बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। तो गाइज हमारा खाना आ गया है और तू ये तो रोटी खाएगी, मैं बात खाऊंगी, ये भी रोटी खाएगी। सुबह तो आपने देख लिया था इसको लेंस कैसे पहने था, उतारते हुए देखते हैं। तूने भी एक ही बाल लिया है और अब तूने ये भी वेस्ट कराएगी, अब तू अब नहीं पहनेगी मुझे पता है। क्या कैमरे पे इससे हो नहीं रहा, तुम पहले इसको निकाल नहीं देते हैं। एक आंख तो निकल गया, ये वाला भी निकल गया, राइट वाला। तो गाइज आपने पहले के ब्लॉग्स में देखा होगा कि जब हम मतलब यहाँ कह रहे हम शॉपिंग करने गए थे ना गांधी मार्केट में, तो मैंने 300 रुपये की चप्पल जो ली थी वो मैं चप्पल ही नहीं लाई, मैं भूल गई। अब फाइनली बब्बू ने अपने लेंसेस उतारे, चश्मा लगा लिया, बता कैसा लग रहा है? हल्का हल्का लग रहा होगा ना, नेचुरल। तो यही सही है, अपने लेंस बेकार है। तो पहले भी तो नहीं हुआ था, फिर भी लेकर आई तू, और ये देखो आराम से पसर गई यहाँ पे आके। मैं बोल रही तो सीधा लेट जा, पूरे आधे बिस्तर में ऐसे त्रिशूल बन के लेट गई। तो अभी गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:47 और हम अभी हैं कहाँ पे हैं? हम हैं हनुमंती में, हनुमंती रिजॉर्ट में, जो कि आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा। तो रात को हमने यहीं पे स्टे किया था, फुल मस्ती की थी। तो यहाँ पे ये रूम्स हैं और अब एंड करने रात को नहीं कर पाए थे, बिकॉज रात को हम चिल कर रहे थे और हमको याद भी नहीं रहा और अंधेरा भी हो गया था और फिर नींद भी आ गई थी, सो गए थे सबके सब। और आधे लोग तो अभी भी सो ही रहे हैं। हाँ आधे लोग तो अभी भी सो ही रहे हैं, लाइक पीयूष, सिष्टी, पीरो वगैरह सब सो रहे हैं। मेरे को तो एडिटिंग करनी थी, अपलोड करना। हाँ तो फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय। अब दोबारा 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 निकाल रहा है, प्लीज प्लीज एक बार।